शर्मा। ओ अरे क्या पेपर पढ़ रहे हैं आप, इसमें जो कुछ छपा है वो टीवी में दिखाया जाता है, खावा का टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप। अरे तूने मुझे मारा। एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है साला, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है साला, एक मच्छर मच्छर था मगर एक फैक्स आपको दीवाना बना देगा जीजाजी। कल अजय आ रहा है। अरे उसकी तैयारियां कौन करेगा? अरे इसकी फिक्र तुम मत करो जीजाजी, उसका मामा है, देखो इंतजाम कैसे करता हूँ। जी अपने साले का इंतजाम। ये उस वक्त तक बैंड बजाते रहेंगे जब तक आपका बैंड ना बज जाए। चलिए चलिए आगे चलिए आगे चलिए। और ये कन्याएं यहाँ पर इतने फूल बरसाएंगी, इतने फूल बरसाएंगी कि आप ब्लडी फूल हो जाएंगे। ओ अजय आ गया, अजय आ गया। लड़कियां खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो, जाओ फूल बरसाओ। कम ऑन डार्लिंग। अरबू ये लड़की कौन है? थैंक यू। रंजीते ये तो मेरी बेटी की सहेली है। हा? ये फटीचर झोपड़पट्टी में रहती है। क्या जीजा जी, क्या सड़े हुए बैगन की तरह मुंह लटका खड़े हो? बोल कर नहीं यहाँ। यस सर। इन्हें ले जाओ और फोटो खिंचवा। सर प्लीज सर। क्या दीदे फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं? थैंक्स फॉर द वेलकम डैड। अरे वेलकम तो मैं तेरा खर्चा के करूंगा हराम। इधर देखिए स्माइल प्लीज। स्माइल डैड। हाय डैड, सी यू। देख देख रंजीते, इसने तेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। पीछे देखिए जनाब, आपके अरमानों की अर्थी आ रही है। हाय डैड। हाय डैड। व्हाट? ओह थैंक यू। अब अड़ियल सांड की तरह फू फू क्या कर रहा है? अरे जा अपनी बेटी और दामाद के साथ फोटो खिंचवा। बोल कर नहीं। मैं बोलता हूँ तू चुप हो जा, नहीं तो गंजे। देखो यार बेकार की बातें कर रहा है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आप हमारा स्वागत इस तरह करेंगे। यस यस। तेरा स्वागत तो मैं घर चलकर करूंगा। और कमीने तू, तेरे को हम लोगों ने ऊटी भेजा था मधु और अजय को नजदीक लाने के लिए, और तू अपना चक्कर चला कर आ गया। ससुर जी, बिल्ली को दूध की रखवाली करने के लिए भेजोगे तो वो तो पतीला चाट ही जाएगी ना। हरामजादे, मैं तेरे को मार दूँगा। डैडी डैडी डैडी, ये सब प्यार मोहब्बत की बातें घर चल के, वरना ससुर और दामाद के हाथापाई की तस्वीरें कल के अखबार में छप जाएंगी, है ना? स्माइल स्माइल। हे लेट्स गो डार्लिंग। टाटा। देख रंजीते, देख कैसा थप्पड़ मारा है दोनों बच्चों ने हमारे मुंह पर। निकाल निकाल वो मैरिज सर्टिफिकेट, अब भी जाकर इन्हें दिखाते हैं कि हम भी इनके बाप हैं। शांत हो जा हरबू, शांत हो जा। अरे जब बाजी दुक्की और टिक्की से जीती जा सकती है तो उसके लिए इक्का निकालने की क्या जरूरत है? तू देख अब मैं इनसे कैसे खेलता हूं। पाए लागू ससुर जी। बास्टर्ड। हाँ हाँ सेठ जी, आप फिक्र मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। जी राजा, अब इस गिराज को तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम केविन में आकर अपना हिसाब कर लो। क्यों? क्योंकि इन्होंने दुगनी कीमत देकर यह गिराज खरीद लिया है। नौकरी से तो निकाल दिया सेठ जी, बेटी के दिल से कैसे निकालोगे? अबे बेवकूफ, हमने तुझे नौकरी से इसलिए निकाला है ताकि तुझे इस जगह का मालिक बना सके। देख देख ये कॉन्ट्रैक्ट, इस
कॉन्ट्रैक्ट पर तेरा एक दस्तखत और तू इस 2.5 करोड़ के गैरेज का मालिक होगा। लेकिन एक बात याद रखना, तेरे ये दस्तखत इस बात की जमानत होगी कि आज के बाद तू मधु की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। ले साइन कर, कर कर कर। ये तुम क्या कर रहे हो राजा, इधर आओ। अरे इसी दौलत को हासिल करने के लिए तो हमने उन दो अमीरों से प्यार का नाटक किया था, और जब ये दौलत सामने है तो तुम उसे ठुकरा रहे हो। मैं कहती हूँ साइन करो। अच्छा चलो ठीक है, तुम कहती हो तो साइन करता हूँ। कहाँ पेन, कहाँ सेठ जी पेन? पेन। ओके सेठ जी। यस यस। ए लड़की, अब बता मेरे बेटे को आजाद करने की क्या कीमत लेगी तू? एक कप चाय। एक कप चाय? जी हाँ, आपको मेरे हाथ की एक कप चाय पीनी पड़ेगी। अरे हम गरीब के हाथ का पानी तक नहीं पीते, चाय तो बहुत दूर की बात है। गरीब किसको बोल रहे हो सेठ जी, करोड़पति हैं हम, 2.5 करोड़ के गैराज के मालिक, कम से कम चाय तो हमारे हाथ की पी सकते हैं आप। बात पते की है। लाओ लाओ, पीते हैं पीते हैं। लाओ चल काजल, इनके लिए चाय बनाते हैं। सेठ जी चाय पीजिए। क्या कर रहे हैं सेठ जी, ये 2.5 करोड़ की चाय है, जरा मैं भी तो चक्कर देखूं कि 2.5 करोड़ की चाय होती कैसी। अरे काजल ये तो बिल्कुल आम चाय की तरह है। सेठ जी 2.5 करोड़ जब एक कप चाय का जायका नहीं बदल सका तो हम प्यार करने वालों का इरादा क्या बदलेगा। बड़े बेगैरत हो सेठ जी, इतना सुनने के बाद भी यहाँ खड़े हो। कोई और होता ना तो चुल्लू भर पानी में डूब मरता। अरे मरोगे तो तुम दोनों, और वो भी कुत्ते की मौत। ए बाला बशीरा भैरव, हड्डियां तोड़ दो इन कमीनों की। काजल ये फूल नहीं मेरे दिल का लहू है, और डैडी ये दुश्मन नहीं तुम्हारी होने वाली बहू है। ये मेरी बहू 7 जन्म में नहीं हो सकती। 7 जन्म? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कल हम कोर्ट में शादी करें। ये पेपर देख रहे हो, ये प्रॉपर्टी के मामूली पेपर नहीं, तुम्हारी मौत का फरमान है। ये कोर्ट का मैरिज सर्टिफिकेट है जिस पर तेरे और मधु के दस्तखत लिए हैं हमने। देख अपनी आंखों से देख। और इन दस्तखत के मुताबिक तुम और मधु कानूनी तौर पर पति पत्नी हो, और अब तुम्हारी शादी किसी कोर्ट मंदिर और चर्च में तो क्या सारे ब्रह्मांड में नहीं हो सकती, और यह कागज नहीं तुम्हारे प्यार की चिता है, चिता, और इस चिता में तुम्हारा इश्क और तुम्हारे अरमान जलकर राख बन जाएंगे, राख। अरे अरे ये क्या, प्यार की चिता तो जल गई डैडी, अब अपने अरमानों की अस्थियां गंगा में बहाइए या जमुना में। अरे गंगा जमुना तो बहुत छोटी छोटी नदियां हैं, तुमने समुंदर को ललकारा है। अब ऐसा तूफान आएगा, ऐसा सैलाब उठेगा कि तुम्हारा इश्क जिस पर तुम्हें बहुत नाज है तिनके
हवा में बहा है ना ये शोलों में जला है। घायल हुआ तीरों से ना खंजर से कटा है। कहते हैं जिसे इश्क कयामत है बला है। टकराया जो भी इससे वो दुनिया से मिटा है। अरे गाय टोंडे साहब आप और वो भी इस दारू के अड्डे पर, क्या इतना बुरा टाइम आ गया कि मौसम्बी पी रहे हो? अरे आज तो ये मौसम्बी पी रहा हूँ, कल मैं ठर्रे के लायक भी नहीं रहूंगा। मेरी ये हालत करने वाले वो दो कमीने हैं, मुझे बैंक से निकलवा दिया। बस दोस्त, अब तो जिंदगी में एक ही तमन्ना है, उन दोनों को खत्म करके मैं फांसी में चढ़ जाऊं। और ऐसा करने में क्यों ना मेरी आखिरी कौड़ी तक दांव पे लग जाए। दारू का बिल चुकाने के वास्ते तो है कि नहीं पैसे? हजार रुपये है मेरे पास। हजार के 2000 करने के हैं। हजार के 2000? बोलो कैसे? सिंपल सी बात है, मैं साबित कर सकता हूँ कि आपके हाथ में 11 उंगलियां हैं। 11? क्या गलत बात नहीं? अरे मेरा हाथ है, मेरे को मालूम है मेरे हाथ में सिर्फ 10 उंगलियां हैं। 11 उंगलियां हैं। शर्त लगी? शर्त लगी। लगाओ 1000 रुपए की। 1000 रुपए? ओके गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोबारा गिनेंगे ऐसा थोड़ी। 1 मिनट। 10 9 8 7 6। भाइयों 6 और 5 कितने हुए? 11। तेरे बज गए 12। मेरे हाथों में 11 उंगली थी और मुझे मालूम नहीं कैसे हो सकता यार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेवकूफ बना गया वो मुझे। अबे भाग कर कहाँ जाएगा? बेवकूफ बना गया मुझे। अबे कुत्ते कमीने, मेरे 1000 रुपए लेकर भी भाग गया। अबे अगर हाथ में आ गया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। 25। अरे यार 25 नहीं, पूरे 1000 लेकर भागा। 25। अरे 25 नहीं भैया, 1000 लेकर। 25। अबे यार 25 के आगे 26 आता है, 27 आता है, 28 आता है। 25। अरे यार छेद में देकर 25 क्या कर रहा है तू? 25। मैं भी तो देखूं अंदर क्या है। कौन है? ए कौन है बे? छब्बीस। मधु कहाँ है? साहब मधु मेम साहब सुबह बैग लेकर चली गई। क्या चली गई? अरबू कल से मेरा बेटा घर पे नहीं आया, आज तेरी बेटी घर छोड़कर चली गई। ये दोनों गए कहाँ? मैं बताता हूँ। आपकी बेटी आपके मुंह पर कालिक पोत कर चली भाग गई, वो अपने आशिक के साथ। और इतना ही नहीं, कल कोर्ट में जाकर वो चारों शादी करने वाले हैं। इसी खुशी में आपके लिए मिठाई लेकर आया हूँ भाई साहब। वो मीठा कीजिए ना वो मीठा। अरे कीजिए ना। विशेष चिल्लाइए मत। जिस बाप की बेटी भाग जाती है ना, उसे ऊंची आवाज में बोलने का हक नहीं होता ना? और याद है तुमने उस दिन क्या कहा था कि अगर मेरी बेटी ऐसी हरकत करती तो तुम उसे गोली मार देते। तो लो ये बंदूक। अरे लो, अब मारो गोली। अरे सोच क्या रहे हो, मार दो गोली उसे। आप गोली नहीं चला सकते। अरे कोई बाप गोली नहीं चला सकता। कुछ नहीं कर सकते हैं आप, बस एक नपुंसक की तरह खड़े होकर तमाशा देख सकते हैं आप, एक नपुंसक की तरह। कुछ नहीं कर सकते, हट। सोच क्या रहा है हरबंस? ये वक्त सोचने का नहीं, कुछ करने का है। गोलियां चलेगी, लाशें भी गिरेंगी, लेकिन उन हरामजादों की जिन्होंने हमें ललकारा है। इन हरामजादों ने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी है। अरे समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रखा, यहाँ तक कि हमारे औलाद को भी हमारा दुश्मन बना दिया है। ऐसी मौत मारो इनको, किश करने वालों की रूह तक कांप जाए।